यार स्कूल में ना सभी ग्रुप्स में घूमते थे। नोटिस करना, टॉपर्स का एक ग्रुप, लास्ट बेंचर्स का अलग एक ग्रुप और लड़कियों का अलग ग्रुप, सो एंड सो। और ये ग्रुप्स ना कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड होते हैं, लाइक देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बिटवीन दो अलग अलग ग्रुप्स में। और मैं भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा रहा हूँ और हर बार ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही होता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। और तुम में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं एक शॉर्ट हाइटेड लड़का हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं एक 4 फीट का सर्कस में काम करने वाला हूँ, नहीं, मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस। आई नो ये हाइट कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है, बट कुछ खास लंबी भी नहीं है। एंड इसके वजह से हर ग्रुप में सबसे छोटी हाइट वाला इज ऑलवेज मी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहले लंबा हुआ करता था और फिर एज के साथ सभी बढ़ गए और मैं वैसा का वैसा ही रह गया। नहीं, बचपन से ही मेरी ग्रोथ बहुत स्लो रही है। एंड मैं जब छोटा था तो ये बात मुझे बहुत टेंशन देती थी, मतलब अभी भी देती है, बट नाउ आई एम ओके विद इट। बिकॉज बचपन में सब मुझे ये बोल के दिलासा देते थे कि कोई बात नहीं बेटा, 18 साल तक हाइट बढ़ती है। बट नाउ जब मैंने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है, मेरी इनसिक्योरिटीज को कोई झूठा दिलासा देके नहीं भर सकता। और अगर सच बताऊं तो इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है शॉर्ट हाइटेड होना। हाँ, कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे कि कौन है बे साले, बाहर निकल, देख के नहीं चला सकता क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरी गलती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने हर तरीका अपना के देख लिया, बट रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और ये बात क्लास 6 की है, और तब मैं क्लास का सबसे छोटा लड़का हुआ करता था एज यूजुअल। तो रिसेस में मैं ऐसे ही बैठ के टिफिन खा रहा था, मुझे याद है कि अचानक से एक लड़का मेरे तरफ चिल्लाते हुए आया, अरे तुझे पता है शोभम का किसी ने मैथ्स कॉपी चुरा लिया। एंड लेट मी टेल यू, शोभम हमारे क्लास का सबसे लंबा और तगड़ा लड़का था। उससे पंगा लेने का तो दूर, कोई उससे नजरें मिला के बात करने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। मैंने कहा, यार वो जिसने भी उसकी कॉपी चुराई है यार, वो तो उसकी तो लग गई आज, आज तो वो गया। और तभी वो लड़का देखता है, अबे ये रही, यही तो है उसकी कॉपी, इसका मतलब तूने ही ली थी उसकी कॉपी। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी कॉपी और मेरी कॉपी बिल्कुल सेम दिखती है क्लासमेट की। #notsponsored। एंड मैम जब कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, मैं गलती से उसकी कॉपी उठा लाया। रुक, मैं अभी उसको बुला के लाता हूँ। अबे रुक। मेरा डर के मारे हालत खराब हो गया था और शोभम पूरी लाइट के स्पीड से मेरे पास आ गया। आज तो पिटा यार मैं आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो मुझे मारने ही वाला था कि मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। And the best part, you know, मेरी हिम्मत देख के वो ज्यादा कुछ बोला ही नहीं। He was like, दोबारा नहीं होना चाहिए। बच गए यार। Moral of the story, कभी भी अपनी इनसिक्योरिटीज को ना अपनी कमजोरी नहीं बनानी चाहिए। आई नो तुम में से जितने लोग भी अभी वीडियो देख रहे हैं, तुम में से सभी के पास कोई ना कोई एक कमजोरी है, कोई ना कोई एक कमी है। तो उस कमजोरी या कमी को ना अपने दिमाग में मत चढ़ने दो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, एकदम मस्त हो। तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है तुम्हारा मेरी तरह हाइट छोटी हो, या रंग काला हो, या मोटे हो, या तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या फिर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। ये चीज याद रखना दोस्त, कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग हैं जो तुमसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, बस उन्हें खुश रखा करो। तुम्हारी ये कमजोरियां कब तुम्हारी ताकत बन जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या तुम भी ऐसे किसी इनसिक्योरिटी से परेशान हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। एंड तुम्हारा कोई दोस्त अगर ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो। एंड बाकी मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय। Thank you.